मैं होंडा के मोटरबाइक प्लांट पे गई थी। मैंने अपना वो जो एक इंटर्नशिप आपने करनी होती है, तो वहाँ पे मैंने फिर एक दिन पूरा असेंबली लाइन पे इंजन खुद से अपने हाथों से असेंबल किया। मेरा नाम डॉक्टर सारा कुरैशी है। मैं एरो इंजन क्राफ्ट की CEO और को फाउंडर हूँ। एरो इंजन क्राफ्ट पाकिस्तान का पहला इदारा है जो कि एक R&D कंपनी है एरोस्पेस और इंजन्स की, जिसमें हम जहाज़ और जहाज़ के इंजन्स डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की है और इसके अलावा मैंने पायलट ट्रेनिंग भी ली है एज अ प्राइवेट पायलट। पेरेंट्स इनक्रेज करते थे, वो हमें जैसे उन्होंने मकैनो का सेट होता है जो मकैनिकल टूल्स वाला, वो ला के देते थे। कुछ साइंस टॉयज थे और ये कि घर में एक जो डिस्कशन, एक इनफॉर्मल भी डिनर टेबल पे डिस्कशन हो रही थी। जब मैं छोटी थी मेरी वालदा भी PhD कर रही थी केमिस्ट्री में, तो वो एक इन्वायरमेंट था उस तरह का घर में, डेफिनेटली था। वालिद साहब के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। वो पढ़ाते भी थे, साइंस पढ़ ली, फिज़िक्स पढ़ ली, अम्मी से मैथ्स पढ़ लिया। तो ये चीज़ें थी हमारे उसमें इन्वायरमेंट में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और मुझे दाखिला नहीं मिला, तो उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। मैं अपनी क्लास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अकेली लड़की थी। 60 बॉयज़ थे उस ज़माने में, लड़कियों को दाखिला भी नहीं दिया जाता था। तो मैंने काफ़ी मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी यूनिवर्सिटी को मनाने के लिए कि मुझे ये इसका शौक़ है और ये काम मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये फील्ड इतनी ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं होती। कि मैं होंडा के मोटरबाइक प्लांट पे गई थी। मैंने अपना वो जो एक इंटर्नशिप आपने करनी होती है, तो वहाँ पे मैंने फिर एक दिन पूरा असेंबली लाइन पे इंजन खुद से अपने हाथों से असेंबल किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने पूरी मोटरबाइक असेंबल की और फिर मैंने उनको कहा कि मैंने अब इसको चलाना है। वो मैंने चलाई और फिर मैंने पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगा के जब मैं वापस आई, तो मैंने देखा कि वो जो पूरी फैक्ट्री असेंबली लाइन के वर्कर्स थे और सब, वो सारे खड़े हुए थे और एवरीबडी एंड देन एवरीबडी क्लैप्ड और मुझे बहुत इनक्रेज किया। तो वो एक बड़ा एक ऐसे एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लेकिन उनका एटीट्यूड बड़ा इनक्रेजिंग था। और मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं UK गई, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे मैंने एरोस्पेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल्स में मास्टर्स किया बाय रिसर्च। तो PhD में फिर मैंने जेट इंजन्स पे, यानी एरोस्पेस प्रोपल्शन में, क्योंकि एरोस्पेस एक बहुत बड़ा फील्ड है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो वो एक तरह से अपने एक अरूज पे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन दैट हैज़ कम एट एन एनवायरमेंटल कॉस्ट। जो जहाज़ आसमान में उड़ रहे हैं वो फ़ज़ा में आलूदगी फैला रहे हैं, क्योंकि उनमें उनके पीछे से एक धुआं निकलता है। जो वाटर वेपर जहाज़ों में से निकलती है, जो भाप निकलती है गर्म, वो कंडेंस होके तो एक मस्नूई बादल बना देती है। उस बादल को आप कॉन्ट्रेल कहते हैं। उसके अलावा ये इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। जो कॉन्ट्रेल्स हैं या ये जो मस्नूई बादल हैं, ये उससे 5 गुना ज़्यादा ये काम कर रहे हैं कि उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं कि कितना ज़्यादा वो गर्माइश पैदा कर रहे हैं ज़मीन में, वो उससे 5 गुना ज़्यादा है। इससे पहले दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कॉन्ट्रेल्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन एज सच कोई ऐसी कंपनी नहीं है दुनिया में जहाँ पे इसको एज अ प्रोडक्ट कोई चीज़ बनाई जा रही हो कॉन्ट्रेल्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो लेट्स सी
हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको किसी का कोई भी ऐसा काम लगे जो आपको लगे कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसको सपोर्ट दें, क्योंकि आप उस पर किसी को पर्सनल सपोर्ट नहीं देंगे, बल्कि आप अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बेहतर हो, स्ट्रॉन्गर हो और आपके लिए ज़्यादा लिवेबल हो। क्योंकि हम हर वक्त इसी चीज़ से परेशान होते रहते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और हमारे रहने के काबिल नहीं हैं और वो शख्स बुरा है और वो शख्स बुरा है। तो सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अगर कोई वो जो लोग नहीं कर रहे या करें, आप तो अपना हिस्सा डालें पहले।